तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं तीन पॉइंट के बारे में जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट प्लेयर को जो जरूरत होती है और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट प्लेयर को वो चीज़ सबसे ज़्यादा बीच बीच में प्रॉब्लम देती है। तो गाइस स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का डे वन आज से हमारा शुरू होता है और आज है हमारा डे वन। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन पॉइंट पे। तो जो पहला वाला जो पॉइंट रहने वाला है तो वो गाइस बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, उसको जरूर देखना। और तो हम पहले बात करते हैं पॉइंट टू की। तो भाई सबसे पहले टाइम, आपके पास टाइम फुल होना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम नहीं रहेगा अगर आप गेम को टाइम नहीं दे पाओगे, अपने ईस्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाओगे, जब भी कस्टम होगा तब आप नहीं आ पाओगे, तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ईस्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकते यार, टाइम आपके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो पॉइंट है वो है यार गेम सेंस। आपके पास जो नॉर्मल क्लासिक वाला गेम सेंस अलग होता है और जो कॉम्पिटिटिव जो ई स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनका गेम सेंस अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल क्लासिक में बस हॉट ड्रॉप पे उतरो, जाओ डूडो ड्रॉप लूटो मारो, वो अलग चीज़ हो जाती है। नॉर्मल तो हम खेलते ही है, पर जो ई स्पोर्ट्स का रहता है वो उसमें रोटेशन, जोन रोटेशन, लूट ड्रॉप फाइट हर एक देखनी पड़ती है और हर एक चीज़ के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, पर गेम सेंस भी होना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस जो पहला पॉइंट है वो है सबसे खास यार, जिस पे यार पूरा ईस्पोर्ट्स टिका हुआ है यार, वो सबसे पहला है डिवाइस। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अगर आप किसी टीम में ज्वाइन होने जाओगे तो आपको सबसे पहले पूछेगा आपका डिवाइस कि आपके पास डिवाइस कौन सा है, फिर पूछेगा आपकी क्लिप्स। ठीक है, आप अभी नए ज्वाइन कर रहे हो तो अभी सीख रहे हो तो वो अलग चीज़ है, पर अगर आपके पास क्लिप्स नहीं है फिर भी आपके पास डिवाइस होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि डिवाइस सबसे मेन होता है। डिवाइस आपको हर एक टीम में पहले जाने से पहले आपको आपका डिवाइस पूछा जाएगा कि यार आपके पास डिवाइस कौन सा है, और आप बताओ कि भाई मेरे पे रियलमी है 60 FPS या 40 FPS है, मेरा गेम में ये है, मैं ऐसे खेलता हूँ, तो वो नहीं मानेंगे, सबसे पहले तो वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपका डिवाइस रहना ज़रूरी है। उसके बाद में सेकेंड, आपके पास टाइम भी फुल रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास फुल टाइम रहेगा, फुल टाइम मतलब अगर आप कॉलेज पढ़ रहे हो तो कॉलेज गए 2 बजे तक वापस आ गए, 3 बजे को आपका कस्टम स्टार्ट होगा, 3 से 4-5 बजे तक कस्टम, फिर वापस 6-7-8 बजे, क्योंकि डेली के 6-7 मैच तो खेलने ही आपको पड़ेंगे। आप देख रहे हो कि नहीं रोज़ का एक मैच खेल लूँगा और हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि अपने टीम के साथ आपका जो गेम सेंस, जो आपकी टीम की एबिलिटी होती है उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके टीम के साथ आप नहीं गुल मिलोगे, जब तक आपका टीम कैसे खेल रहा है, आपका एक एक प्लेयर को नहीं समझोगे कि मेरा वो प्लेयर कैसे खेलता है, ये प्लेयर कैसे खेलता है, और उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आज के जो तीन पॉइंट है वो आप मेन याद रखना। पहला है डिवाइस, आपके पास अच्छा एक डिवाइस होना चाहिए जिस पे आप रिकॉर्डिंग भी कर पाओ और खेल भी पाओ, क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े जब आप टूर्नामेंट खेलोगे तो आपको अपनी रिकॉर्डिंग POV रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और गेम भी खेलना पड़ेगा। तो डिवाइस और फुल टू फुल टाइम, भाई टाइम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास डिवाइस अच्छा है, फिर कुछ काम नहीं आएगा। और अगर आपके पास डिवाइस भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, तो गेम सेंस पे ध्यान दो, गेम सेंस बढ़ाओ। और गेम सेंस नहीं बढ़ा सकते तो हमारे को लाइक शेयर एंड हमारे को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि भाई हमारी वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको गेम खेलना है, कैसे आपको अपने टीम के साथ हैंडल रहना है। तो मिलते हैं गाइस डे 2 में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।